के किचन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज बनने वाला है एक नया रेसिपी। रेसिपी में बनेगा मंचूरियन। तो मंचूरियन बनाने के लिए हम क्या सामान ले लिए हैं, तो वो सामान हम आपको बताते हैं। तो चलिए ले आते हैं। दोस्तों, मंचूरियन बनाने के लिए जो सामान ले लिए हैं, नजदीक में आइए, सामान से हम दिखला देते हैं। ये आरा रोट है, उसके बाद ये मैदा है, ये शिमला मिर्च है, उसके बाद ये बंधा गोभी है, उसके बाद हम प्याज ले लिए हैं, ये गाजर है, चिल्ली सॉस है, ये सोया सॉस है, उसके बाद ये हरी मिर्च है, उसके बाद ये चुकंदर ले लिए है। तो दोस्तों, सभी सामान हम मंचूरियन बनाने के लिए ले लिए हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए सभी सामान को हम बारी बारी से छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं। दोस्तों, मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम बंधा गोभी के धो लेते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च डाल देते हैं। दोस्तों, बंधा गोभी तो धो लिए हैं, तो चलिए थाली में रख लेते हैं। दोस्तों, शिमला मिर्च भी धो लिए हैं, उसके बाद हम गाजर भी धो लेते हैं। दोस्तों, बंधा गोभी, शिमला मिर्च, गाजर धो लिए हैं, उसके बाद हम चुकंदर धो लेते हैं। दोस्तों, तो चुकंदर धो लिए हैं, तो चलिए हम परात में रखते हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले बंधा गोभी के हम दो टुकड़ी में काट लेते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बंधा गोभी तो काट लिए हैं, तो चलिए घसनी में घसना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसी तरह बंधा गोभी के हम घसनी में घस करके रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब चुकंदर घस लेते हैं। दोस्तों, एक गांव देहात का मंचूरियन आपको कैसा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह हम चुकंदर के घस लिए हैं घसनी में। दोस्तों, तो चलिए हम गाजर भी घस लेते हैं। दोस्तों, अपने गांव देहात के तरीका से ये मंचूरियन बनाते हैं। ये मंचूरियन वाला वीडियो आपको कैसा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, हम गाजर घसना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बंधा गोभी, गाजर, चुकंदर हम सभी काट लिए हैं। तो इसमें हल्का हम नमक छीट देते हैं, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, तो इसको थोड़ा देर के लिए ढक देते हैं। दोस्तों, मंचूरियन बनाने के लिए हम थोड़ा फोरन तैयारी कर लेते हैं। छोटे टुकड़ा में हम काट लिए हैं। इसी तरह शिमला मिर्च हम फोरन के लिए काट लिए हैं, उसके बाद हम गाजर काट लेते हैं। चूरियन में गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च सभी पड़ता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। गांव देहात के तरीके से बनाते हैं। तो इसी तरह सभी गाजर के हम काट लिए हैं, उसके बाद हम प्याज काट लेते हैं। सबसे पहले प्याज के हम दोस्तों छिलका छील लेते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। 20 से टुकड़ा बना देते हैं। तो चलिए फिर से इसको टुकड़ा बना दिए हैं, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ा में हम इसको उघार करके रख। तो मंचूरियन में इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ा में प्याज पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह हम सभी प्याज के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको मंचूरियन बनाना होगा तो कम से कम सामान में बहुत ही टेस्टिंग बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। हमारे पास जितना सामान था उतना के बनाए हैं। ये जरूरी नहीं है, अगर सामान पूरा नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा सामान मंगवाइए, लेंगे तो बनाएंगे। तो चलिए जितना सामान हो उतना ही के बनाइएगा। तो चलिए प्याज काट करके रेडी कर लिए हैं। कलर के लिए हम थोड़ा चुकंदर भी काट करके डाल देते हैं। दोस्तों, चुकंदर काट लिए, तो चलिए हरी मिर्च भी काट लेते हैं। दोस्तों, हरी मिर्च भी काट लिए हैं। दोस्तों, फोरन के लिए सभी हम प्याज, चुकंदर, गजला, शिमला मिर्च, हरी मिर्च काट करके तैयारी कर लिए हैं। तो मंचूरियन बनाने के लिए
जो सामान हम काट करके रखे हुए हैं, बंधा गोभी का रखे हुए हैं काट करके, उसको हम सबसे पहले इसमें पानी लगता है जो पानी छूट गया है, तो इसको हम सबसे पहले पानी गार लेते हैं। देखिए दोस्तों इसमें से पानी गर रहा है, तो पहले सबसे पहले हम इसको पानी गार देते हैं। सभी मंचूरियन बनाने के लिए हम पानी के गार लेंगे, तो इसको हम पानी के गार लेते हैं। मंचूरियन के लिए इसी तरह सभी पानी हम गार लिए हैं, जो पानी बच गया है इसको हमको फेंकना नहीं है, इसको रखना है, यही पानी में हम मंचूरियन को बना लेंगे। दोस्तों मंचूरियन बनाने के लिए पानी गार लिए हैं, तो चलिए फिर से हम इसको गमला में डाल देते हैं। मंचूरियन में डालने के लिए हम आरा रोट ले लिए हैं, तो चलिए हम आरा रोट डाल देते हैं एक चम्मच। तो मंचूरियन बनाने के लिए हम आरा रोट एक चम्मच डाल दिए हैं, तो एक चम्मच हम मैदा भी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, नमक डाल दिए हैं, उसके बाद हम गोल मिर्च भी डाल देते हैं। दोस्तों मंचूरियन में जो लगता है सभी हम धर दिए हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मंचूरियन बनाने के लिए इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, तो मंचूरियन छानने के लिए चलिए सबसे पहले हम चूल्हा धरा लेते हैं। दोस्तों चूल्हा जोड़ लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं। दोस्तों कढ़ाई गर्म हो गया है, तो चलिए हम तेल डाल देते हैं, सरसों तेल। दोस्तों इधर तेल गर्म हो रहा है, तब तक इधर हम मंचूरियन बना लेते हैं। दोस्तों तो चलिए हम मंचूरियन बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मंचूरियन का वीडियो आपको कैसा लगता है गांव देहात का, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मंचूरियन बना लिए हैं, तो चलिए कढ़ाई में डाल देते हैं। दोस्तों तेल गर्म हो गया है, तो चलिए मंचूरियन हम डाल देते हैं। दोस्तों एक तरफ हो गया है, तो चलिए हम दूसरी तरफ उल्टा देते हैं। दोस्तों मंचूरियन फ्राई कर लिए हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। तो मंचूरियन छान लिए हैं, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम शिमला मिर्च फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों शिमला मिर्च हम फ्राई कर लिए हैं, तो तेल गाड़ करके थाली में निकाल लेते हैं। दोस्तों तो शिमला मिर्च हम फ्राई कर लिए हैं, उसके बाद हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों प्याज डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए, तो इसको हम चला देते हैं। दोस्तों प्याज फ्राई कर लिए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं तेल गाड़ करके। दोस्तों प्याज फ्राई कर लिए, उसके बाद गाजर और चुकंदर फ्राई कर लेते हैं, इसको चला देते हैं। दोस्तों चुकंदर और गाजर फ्राई हो गया है, तो निकाल लेते हैं। दोस्तों गाजर और चुकंदर फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लहसुन फोरन में डाल देते हैं, हम मिर्चाई डाल देते हैं, चला देते हैं। दोस्तों फोरन पक गया है, तो चलिए हम प्याज फ्राई चुकंदर गाजर फ्राई डाल देते हैं, चला देते हैं। उसके बाद हम मंचूरियन डाल देते हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं। चिल्ली सॉस डाल देते हैं। दोस्तों तो चलिए हम सोया डाल देते हैं, तो चलिए इसको बढ़िया से हम चला देते हैं। दोस्तों ऑरेंज कलर हम डाल देते हैं। दोस्तों इसको हम बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों तो चलिए थोड़ा हम पानी डाल देते हैं, इसको बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं, उसके बाद हम बढ़िया से चला देते हैं। दोस्तों मंचूरियन बन करके तैयारी हो गया, तो चलिए उतार करके नीचे रखते हैं।
दोस्तों मंचूरियन बना करके तो तैयारी कर लिए हैं, तो चलिए मंचूरियन खिला करके देखते हैं कैसा स्वाद बना है। दोस्तों चम्मच भी लगा देते हैं, चलिए मंचूरियन परोस देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, नहीं मतलब कल नहीं मतलब चला जाए, चल जाते हैं तब तक।